एफ एन ओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की इस कड़ी को जोड़ने हमारे साथ हर क्लास में जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी अनिल जी इस बार जो कॉन्सेप्ट हम समझना चाहते हैं वो है प्रीमियम और डिस्काउंट अब प्रीमियम सच और डिस्काउंट ठीक है सच बताऊँ तो डिस्काउंट जब मैं शब्द सुनती हूँ मुझे सेल और शॉपिंग याद आता हाँ हाँ शॉपिंग में डिस्काउंट है सेल लगी है चलो और प्रीमियम में क्या याद आता है भरना पड़ेगा मुझे हाँ, लाइक लाइफ हाँ, इंश्योरेंस की प्रीमियम मेडिक्लेम हाँ, हाँ व्हीकल इंश्योरेंस अगर आपने हाँ, कार इंश्योरेंस लेकर प्रीमियम मतलब खर्चा है खर्चा, दिस्कार्ण और डिस्काउंट मतलब, मतलब कमाई है डिस्काउंट मतलब शॉपिंग पे चले हाँ, तो वायदा कारोबार में इतना आसान नहीं है थोड़ा सा लगे वैसे प्रीमियम वैसे आम जिंदगी में भी देनी होती है और एफ में भी देनी होती है कैसे प्रीमियम क्या है हर एक वायदा कारोबार में कोई भी फ्यूचर जो ट्रेड करता है उसके पीछे कोई ना कोई एक अंडरलाइंग एसेट है जैसे निफ्टी फ्यूचर्स है उसके पीछे क्या है निफ्टी, निफ्टी है निफ्टी एच डी सी लिमिटेड का फ्यूचर है उसके पीछे क्या है एच डी सी लिमिटेड का शेयर है राइट अब कैश में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है या इंडेक्स जो स्पॉट लेवल है जिसको हम बोलते हैं जो निफ्टी दिखता है आपको सामने या बैंक निफ्टी या कोई सेंसेक्स कैश और फ्यूचर के भाव में फर्क होता है हमेशा कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा फ्यूचर का भाव हाँ कैश के मुकाबले में तो अगर कैश के मुकाबले में फ्यूचर का भाव ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि यह प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है ठीक है और कैश के मुकाबले में फ्यूचर का भाव कम है तो हम ये कहेंगे कि वायदा कारोबार में यह डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है एग्जाम्पल दू हाँ लग जाएगा लगी रहा था हजार रुपये का भाव है रिलायंस का कैश मार्केट में इस वक्त हजार रुपए चल रहा है अगर फ्यूचर्स में एक हजार आठ एक हजार नौ रुपए एक हजार दस रुपए कुछ चल रहा है तो इसका मतलब ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है कैश से ज्यादा फ्यूचर में तो करेक्ट और, और प्रीमियम कितनी है आठ नौ दस रुपए की जो भी हो ये प्रीमियम है फर्ज करें फ्यूचर में भाव नौ सौ नब्बे रुपए के आसपास चल रहा है और कैश में हजार रुपए है तो इसका मतलब यह कि डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है ठीक है आठ दस रुपए का डिस्काउंट हो सकता है तो प्रीमियम और डिस्काउंट का समझ में आ गया जी कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट की दोनों की प्राइसेस चेक कर लीजिए मिलाकर देख लीजिए ऊपर है तो प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है नीचे है तो डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है सिंपल है सिंपल मैथमेटिक्स है बस ठीक है कैश से ऊपर अगर फ्यूचर में है तो फिर प्रीमियम करेक्ट और कैश uh, से नीचे है फ्यूचर में तो फिर डिस्काउंट राइट right. ठीक है लेकिन फ्यूचर्स का भाव स्पॉट के भाव से कम या ज्यादा होगा यह कब और कैसे होगा यह हर वक्त होता है हुँ. बहुत कम केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जब कैश uh, और फ्यूचर के भाव सेम हो ट्रेडिंग के वक्त तो बहुत ही कम केसेस होते हैं एक ही वक्त फिक्स है पूरी सीरीज में पूरे महीने में जब कैश और फ्यूचर के भाव सेम हो बताओ कब एक्सपायरी एग्जैक्टली स्मार्ट रिवीजन करती हो लगता है समझ हाँ हाँ <laughs> तभी तो जो महीने का आखिरी गुरुवार है साढ़े तीन बजे एक्सपायरी का जो लेवल होता है वो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का लेवल कैश मार्केट की जो साढ़े तीन बजे की जो क्लोजिंग प्राइस आती है एक्सचेंज की उसके बेसिस पर होता है स्टॉक या इंडेक्स का तो उस वक्त तो पक्का है कि भाव सेम होंगे एक्सपायरी वाले लेकिन पूरी सीरीज के दोना दौरान हर वक्त दिन में किसी भी वक्त कभी भी आमतौर पर भाव सेम नहीं होते ठीक है तो ऐसे में फ्यूचर का भाव कम या ज़्यादा होगा यह हर वक्त हो सकता है कब और कैसे होगा ये बाजार पर और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है माफ कीजिएगा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है या डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है ठीक है तो ट्रेड करते वक्त प्रीमियम और डिस्काउंट को देखते रहना जरूरी क्यों है उसके लिए देखिए अगर आप वायदा कारोबार में कोई स्टॉक या इंडेक्स प्रीमियम पे खरीद रहे हैं इसका मतलब क्या है उसकी जो वैल्यू है इस वक्त उससे ज्यादा पैसा दे रहे, ना, भर रहे हाँ हाँ तो आप ज्यादा कितना देंगे कोई तो लिमिट होनी चाहिए राइट हुँ. भाई अगर निफ्टी दस हजार पांच सौ है स्पॉट में कैश में तो आप दस हज़ार पाँच सौ बीस में खरीदेंगे दस हज़ार पाँच सौ पचास में खरीदेंगे दस हज़ार छः सौ में खरीदेंगे या दस हज़ार चार सौ पचास में खरीदेंगे एक आप, लिमिट हाँ आ, आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि मुझे फ्यूचर में कितना प्रीमियम देना है जी इसलिए प्रीमियम और डिस्काउंट देखना ज़रूरी है क्या हम जरूर से ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं कम दे रहे हैं कितनी दे रहे हैं इसलिए प्रीमियम या डिस्काउंट जब आप ट्रेड करते हो तो देखना जरूरी है अच्छा प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट उस इंडेक्स को लेकर या स्टॉक को लेकर बाजार का मूड भी दिखाता है काफी हद तक अच्छा देखिए अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये स्टॉक दो तीन दिन में पांच परसेंट या दस परसेंट बढ़ जाएगा ठीक है मानसिक खरीद लीजिए आप क्या करेंगे करेंगी जाके खरीदेंगी फ्यूचर्स में लॉन्ग करेंगी हाँ अगर हजार रुपए का स्टॉक है फ्यूचर में एक हजार दस रुपये चल रहा है तो आप क्या सोचेंगी ठीक है दस बारह रुपये प्रीमियम लग रही है ना चलेगा लेकिन मैं तो पांच दस परसेंट के लिए ले रही हूं मुझे दो, दो चार रुपये कम ज्यादा देने पड़े उससे तो क्या फर्क पड़ता है तो आप बुलिश बुलिशें तो क्या करेंगी मैं आप खरीदूंगी खरीद प्रीमियम ज्यादा भी देकर खरीदेंगी बिल्कुल वही सेंटिमेंट डिसाइड करता है स्टॉक का कुछ हद तक अगर प्रीमियम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि लोग उस स्टॉक को लेकर ज्यादा पॉजिटिव है बुलिश हैं तेजी के बारे में सोच रहे हैं ठीक उसी तरह से स्टॉक को डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो आप कब बेचते हैं जब आपको लगता है स्टॉक का दाम हजार रुपए नौ सौ नब्बे में लेकिन आपको लगता नहीं ये तो नौ सौ पचास होने वाला है बेच दो अभी भी क्या फर्क पड़ता है जी ठीक है तो डिस्काउंट में भी आप बेच रही है जबकि आपको मालूम है यही स्टॉक आपके पास डिलीवरी होती कैश मार्केट में बेचते तो हजार में बिकता लेकिन नौ सो नब्बे में भी आप बेचने को तैयार इसका मतलब थोड़ा सा ये आमतौर पर देखा जाता है लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण है जिसकी वजह से प्रीमियम या डिस्काउंट पर स्टॉक ट्रेड करता है प्रीमियम पर ट्रेड करने के तो अपने कारण है कि वो कॉस्ट ऑफ कैरी यानी कि इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है वॉलीटिलिटी की प्रीमियम होती है हम आगे विस्तार से बताएंगे कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट की जाती है कितनी होनी चाहिए ठीक है लेकिन डिस्काउंट आमतौर पर या तो सेंटिमेंट खराब होने की वजह से कि स्टॉक के नीचे जाने का डर हो या फिर उस स्टॉक में डिविडेंड आना हो अगर डिविडेंड आने वाला हो तो डिविडेंड आपको कब मिलता है जब आपके पास कैश मार्केट का स्टॉक डिलीवरी है जी। फ्यूचर में आपको डिविडेंड नहीं मिलता तो जितना अमाउंट डिविडेंड का है उतना फ्यूचर नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है डिविडेंड का वो एडजस्टमेंट है इस वजह से भी कई बार स्टॉक डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं ठीक है ठीक है।, है तो डिस्काउंट में ट्रेड करने का मतलब हर वक्त ये नहीं है कि इस स्टॉक को लेकर मूड खराब है लोगोंगा ये खराब ही बेचो इसको आपको ये डिस्काउंट में कोई स्टॉक दिखे ना तो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कैश मार्केट में कैश कैश में ऊपर है फ्यूचर में नीचे है यानी डिस्काउंट है जी पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए डिविडेंड तो नहीं है अगर डिविडेंड आने वाला है तो उतना एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि जैसे जिस दिन डिविडेंड आ जाएगा जो डेट होगी उसके बाद कैश मार्केट में भी वो स्टॉक उतना नीचे आ जाएगा बाद में दोनों के भाव सेम हो जाएंगे है ना डिविडेंड मिल गया तो कैश मार्केट में से उतनी प्राइस कम गई तब कैश और फ्यूचर के भाव लगभग बराबर हो जाएंगे अच्छा इसलिए डिविडेंड का इसलिए डिस्काउंट का मतलब हमेशा खराब नहीं होता खाली डिविडेंड वाला एक ऑप्शन देख लेना चाहिए बट अदरवाइज आमतौर पर स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है यानी कि थोड़े तेजी के संकेत है डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है यानी थोड़ी मंदी के संकेत है चलिए तो वायदा बाजार में प्रीमियम और डिस्काउंट के मायने हमने समझ लिए आगे चलकर चैप्टर और भी है क्लासेस और भी है आप बने रहे हैं एफ की पाठशाला के साथ नमस्कार